तो गाइज आज मैं आपको बरमूडा मैप की 5 ऐसी ऐसी जगह बताने वाला हूँ जहाँ पर छुपकने के बाद तो भाई खुद फ्री फायर वाले भी आपको नहीं ढूंढ पाएंगे। ये क्या बात करते हैं यार। क्योंकि देखो आपको तो पता ही है कि हमारी गेम में बीआर रैंक का एक और न्यू सीजन आ चुका है और हर बार की तरह इस बार भी ग्रैंड मास्टर जाने वाले तो ग्रैंड मास्टर जा रहे हैं और ना जाने वाले तो भाई अभी भी डायमंड और प्लेटिनम पे भटक रहे हैं, क्योंकि अब और ज्यादा मुश्किल हो चुका है बीआर में रैंक पुश करना, क्योंकि यार पता ही नहीं चलता कि कौन सा बंदा कहां से मार जाता है। तो इसीलिए आज आपको टॉप 5 ऐसी हाइडिंग प्लेसेस पता चलने वाली है जहां पर बैठकर आप लोग आराम से रैंक पुश कर पाओगे और कोई भी बंदा आपको देख ही नहीं पाएगा और आप सभी बंदों पे फायर भी कर पाओगे। और भाई ये सभी हाइडिंग प्लेसेस एकदम न्यू होने वाली है, मतलब आज से पहले आपने इन हाइडिंग प्लेसेस को YouTube पर नहीं देखा होगा, तो इसीलिए वीडियो को पूरा देख लेना और जल्दी से एक लाइक करने के साथ साथ फटाफट से सब्सक्राइब भी कर दो वरना हाइडिंग प्लेसेस में छुपकने के बाद भी पकड़े जाओगे। अच्छा तो देखो हाइडिंग प्लेसेस बताने से पहले एक बार कमेंट करके आप लोग ये बताओ कि आप अभी बीआर रैंक में कौन सी रैंक पे हो, ताकि मुझे भी तो पता चले कि आप अभी तक कहां पे पहुंचे हो। तो जो सबसे पहली हाइडिंग प्लेस है ना, उसके लिए आपको सबसे पहले आना है ऑब्जर्वेटरी पे और यहाँ पे आके आपको ऑब्जर्वेटरी के इस वाले लॉन्च पैड का यूज करना है और आपको इस लॉन्च पैड को हैंगर की साइड करके कुछ इस तरीके से सेट करना है। फिर उसके बाद जब आप लोग इससे लॉन्च होगे तो आप उड़ते उड़ते हैंगर के इस वाले टावर पे आ जाओगे और हैंगर के इस वाले टावर पे आते ही आप पूरे के पूरे हैंगर को आराम से देख सकते हो और हैंगर पे जितने भी छत है उनके ऊपर भी आप लोग नजर रख सकते हो। और साथ ही में अगर कोई स्क्वाड ऑब्जर्वेटरी से या फिर बीमा शक्ति क्लॉक टावर से इधर अगर आ रही होगी तो आप लोग उन पे भी बड़े आराम से फायर कर सकते हो। और वो तो अभी मैं सोलो वाली गेम के अंदर आया हूँ, अगर आप डुओ या फिर स्क्वाड में आओगे तो आपको पता होगा कि इधर एक रिवाइवल पॉइंट भी होता है, तो आप लोग उस रिवाइवल पॉइंट पे भी इधर बैठे बैठे आराम से फायर कर सकते हो और वेंडिंग मशीन पर जाने से भी लोगों को रोक सकते हो और आराम से रैंक पुश कर सकते हो। सेकंड नंबर की जो हाइडिंग प्लेस है वो है शिप यार्ड पे, तो आपको सबसे पहले शिप यार्ड के इस वाले लॉन्च पैड के ऊपर आना है और आपको इस लॉन्च पैड को वो जो सामने की साइड जो रेड कलर की जो क्रेन है या फिर वो कुछ भी है मतलब पिलर या फिर जो भी है वो आपको उसकी तरफ इस लॉन्च पैड को सेट कर देना है। और जब आप लॉन्च होगे तो आप लोग डायरेक्ट इसके ऊपर आ जाओगे जो कि काफी ज्यादा ऊपर है और भाई इसके ऊपर आने के बाद तो आपको पूरा का पूरा शिपयार्ड एकदम HD में दिखने वाला है और चाहे कोई बंदा शिपयार्ड में चाहे कहीं पे भी लूट कर रहा हो या फिर अगर कोई बंदा वेंडिंग मशीन के पास जा रहा होगा तो वो आपको आराम से यहाँ से दिख जाएगा और आप लोग उसे आराम से मार भी सकते हो। तो आप लोग भी शिपयार्ड की इस वाली जगह को जरूर ट्राई करना। थर्ड जो हाइडिंग प्लेस है वो होने वाला है कातुल इस्तीवा पे और इस वाले हाइडिंग प्लेस पर जाके आप लोग खुद भी अपने आप को नहीं ढूंढ पाओगे। तो उस जगह पर जाने के लिए आपको इस वाले टायर से ऊपर कूदना है और इस वाले लॉन्च पैड के ऊपर आ जाना है और इस वाले लॉन्च पैड को आपको जो सामने की साइड वो पेड़ दिख रहा है आपको इसको उसकी साइड सेट कर देना है। और जब आप इससे लॉन्च होगे तो आप लोग इस पेड़ के ऊपर आके बंदर की तरह अटक जाओगे और यहाँ पर आने के बाद आपको किसी का बाप भी नहीं ढूंढ पाएगा क्योंकि आप खुद भी अपने आप को नहीं ढूंढ पाओगे। तो आप इस वाली हाइडिंग प्लेस का तब यूज कर सकते हो जब आप अपनी स्क्वाड के आखिरी चिराग बचे हो। और हाँ, इस पेड़ के ऊपर एक या दो बंदे आके कैंपिंग करना एक बार में, कहीं पता चले कि पूरी की पूरी स्क्वाड ले आके इस पेड़ के ऊपर जाके बैठ जाओ। फोर्थ नंबर की जो हाइडिंग प्लेस है वो अगेन है शिपयार्ड पर और इस वाली हाइडिंग प्लेस पे आने के लिए आपको किसी भी लॉन्च पैड की जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो आपको सिंपली शिपयार्ड में यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे आने के बाद आपको ये रास्ता दिख रहा होगा ऊपर जाने का, वो भी सीढ़ियों से, लेकिन आपको उस सीढ़ी से ऊपर नहीं जाना, आपको एक जंप करके उसकी राइट वाली ग्रिल से ऊपर जाना है और यहाँ पे आने के बाद अगर आप लोग एक जंप कर दोगे तो आप सीधा इस घर के ऊपर आ जाओगे और यहाँ पे आके भी आप लोग बहुत आराम से कैंपिंग कर सकते हो। और शिपयार्ड पे जो ज्यादातर लोग है वो अपने दोस्तों को रिवाइव करने के लिए आते हैं, तो आप लोग आराम से कैंपिंग करके इधर से आप लोग उनको भी मार सकते हो। अब जो फिफ्थ हाइडिंग प्लेस है वो है बुलसे और ग्रेवयार्ड के पास और इस वाली हाइडिंग प्लेस पे तो शायद आप लोग पहली बार में ना पहुंच पाओ, तो आपको सिंपली इस बुलसे के पास इस वाले लॉन्च पैड के ऊपर आना है और इस वाले लॉन्च पैड को कुछ इस तरीके से सेट कर देना है। और जब आप यहाँ से लॉन्च कर दोगे तो आप सीधा इस वाले टावर के ऊपर आ जाओगे और इस वाले टावर के ऊपर आने के बाद आप लोग बहुत ज्यादा बड़े एरिया के ऊपर नजर रख पाओगे, जैसे कि कातुल इस्तीवा और बुलसे वाले बंदों को आप लोग आराम से देख के आराम से फायर भी कर सकते हो। सही बात है। तो भाई ये तो थी हमारी टॉप 5 हाइडिंग प्लेसेस जहाँ पर बैठकर आप लोग आराम से रैंक पुश कर सकते हो। लेकिन अब आपने इतना एंड तक वीडियो को देखा है तो मैं आपको एक और बहुत मस्त हाइडिंग प्लेस के बारे में बताने वाला हूँ और उस वाली हाइडिंग प्लेस पे बैठकर तो आप लोग किसी की भी नजरों में नहीं आओगे और साथ में उधर बैठे बैठे टॉप 10 में भी आ जाओगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भाई प्लीज कर दो यार और सब्सक्राइब भी कर दो। ओके।
ओके। तो आपको सिंपल प्लेन से लैंड करते वक्त आपको बीमा शक्ति के इस वाले टावर के ऊपर आ जाना है, और इस वाले टावर के ऊपर आने के बाद कोई भी बंदा आपको नहीं देख पाएगा, और अगर आपको कोई देख भी लेगा तो चाह के भी आपके ऊपर कोई फायर नहीं कर सकता। और साथ ही में अगर आप इधर लेटे रहोगे तो आप लोग 2-3 जोन के अंदर तो ऐसे ही आ जाओगे, क्योंकि बीमा शक्ति पे तो हमेशा जोन बनता ही बनता है। लेकिन हाँ भाई, अब संभल के रहना इन हाइडिंग प्लेसेस पे, क्योंकि भाई क्या पता आपका एनिमी भी इस वीडियो को देख रहा हो। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। और हाँ यार, अगर आपको मेरे से बात करनी है ना, तो आप लोग जल्दी से इंस्टाग्राम पे आ जाओ, मैं वहाँ पे रोज लोगों से बातें करते रहता हूँ, तो आपसे भी कर लूंगा। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन खोलती दिख जाएगा, लेकिन हाँ फॉलो जरूर कर लेना। और भाई सच बता रहा हूँ, इन हाइडिंग प्लेसेस को ढूंढ ढूंढ के सही तरीके से बताने में बहुत मेहनत लगी है, तो इसीलिए अगर आप बिना लाइक किए जाओगे तो बहुत बुरा लगेगा। इसीलिए जल्दी से लाइक कर दो और फटाफट सब्सक्राइब भी कर दो। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।